जब भी कोई सॉन्ग प्ले होता था तो मैं ऐसे ही उस पे थोड़ा डांस, मुझे मूव्स नहीं आते थे, मतलब पर्टिकुलरली नहीं आते थे, पर फिर भी ऐसे ही डांस करती रहती थी। पर मैं जब 11 ईयर्स की थी तब मैंने स्टार्ट किया लाइक फोकसिंग और डेडिकेशन। मैं जब छोटी थी तब मैं हमेशा लाइक टीवी शोज देखती थी, तो वहाँ के कंटेस्टेंट्स कैसे डांस करते हैं उन सबसे ही मिलती है मुझे इंस्पिरेशन। मेनली तो हिप हॉप करती हूँ, हिप हॉप हाउस और स्ट्रीट स्टाइल जो भी है वो सब करती हूँ, लॉकिंग, हिप हॉप हाउस, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ। अभी तो सिर्फ लद्दाख को हुआ है, पर फिर भी हो सके तो अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको जैसे आर्ट्स में कुछ भी पसंद है आप वो भी कर सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर इंस्टा लाइव सेशन। थैंक यू। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम कार्मेन ऑर्किड है और मैं लेह लद्दाख से हूँ। मैं 13 साल की हूँ और मैं प्रोफेशनली मतलब डांस ही करती हूँ। तो एज अ डांसर आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की? मैं डांस तो मैं पहले से ही करती रहती थी, तो जब भी लाइक कोई सॉन्ग प्ले होता था तो मैं ऐसे ही उस पे थोड़ा डांस, मुझे मूव्स नहीं आते थे, मतलब पर्टिकुलरली नहीं आते थे, पर फिर भी ऐसे ही डांस करती रहती थी। पर मैं जब 11 ईयर्स की थी तब मैंने स्टार्ट किया लाइक फोकसिंग और डेडिकेशन में तब से। आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मुझे मेरे टीचर से मिलती है, और मैं जब छोटी थी तब मैं हमेशा लाइक टीवी शोज देखती थी, तो वहाँ के कंटेस्टेंट्स कैसे डांस करते हैं उन सबसे ही मिलती है मुझे इंस्पिरेशन। आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने उनको कहा कि आपको डांस में इंटरेस्ट है या फिर आपको डांसिंग में जाना है, उस टाइम उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, तो मैं तो जब छोटी सी, मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे ही सॉन्ग प्ले होता था तो मैं नाचती रहती थी। उनको पहले से ही पता था कि मैं मतलब मुझे डांस पसंद है, तो मैंने जब उनको बताया कि मुझे डांस प्रोफेशनली लेना है या मुझे डांस पसंद है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बस। एज अ डांसर आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है? एज ए डांसर मेरा स्ट्रेंथ है मेरा बेसिक्स या फाउंडेशन आप बोल सकते हो। मैं हमेशा अपने बेसिक्स या फाउंडेशन पे ज्यादातर ध्यान देती हूँ, क्योंकि अगर अगर वो हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हम डांस अच्छे से नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है। और वीकनेस बोलो तो वीकनेस तो ऐसा नहीं है कि सच एज, तो मुझे लगता है कि एक्सप्रेशंस, क्योंकि कैसे सॉन्ग पे कैसा एक्सप्रेशन देना है वो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है जैसे लद्दाखी लोगों का इंडियन से, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। डांसिंग के अलावा और क्या पसंद है आपको? मैं डांसिंग के अलावा मुझे रीडिंग भी पसंद है, मैं ड्राइंग भी करती हूँ बस, और बहुत कुछ करती हूँ, मैं खेलना भी पसंद है मुझे। और पर्टिकुलर आपका डांस फॉर्म क्या है? किस कौन से डांस फॉर्म को आप पर्टिकुलरली फॉलो करती हैं? मैं मेनली तो हिप हॉप करती हूँ, हिप हॉप हाउस और स्ट्रीट स्टाइल जो भी है वो सब करती हूँ, लॉकिंग, हिप हॉप हाउस, ये सब मेरे मेन वो है स्टाइल्स। आप जब इंडिया डांस शो में गई तो वहां पे आपने उस चीज के लिए अप्लाई कैसे किया? क्योंकि ऐसे बहुत से हैं जिनको पता नहीं होता कि किस किसी टैलेंट शो में जाना कैसे, तो आपने वो आपने उसकी प्रोसेसिंग आपने कैसे स्टार्ट की? अच्छा, तो मैं जब मैं स्कूल से घर पहुंची थी और मुझे अपनी टीचर का फोन आ गया, मुझे उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ है कि आप सिलेक्ट हो गए और हमें इस डेट पे मुंबई जाना है। आउट ऑफ नोवेयर था ये, मतलब मुझे पता नहीं था मेरा वीडियो भेजा गया है या कुछ भी, तो मुझे बहुत लाइक सरप्राइज्ड फील हुआ। और उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस फिर वही। वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पे बहुत अच्छा रहा, वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि कितनी लाइक कॉम्पिटिटिवनेस है, कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। जैसे वहाँ पे बहुत सारे डांसर्स थे अलग-अलग स्टेट से आए हुए इंडिया के, तो उन्होंने भी अलग-अलग स्टाइल्स, तो वहाँ पे बहुत पता चला कि कैसा होता है, कि कैसे चलता है ऐसे कॉम्पिटिशन। हमें टीवी पे तो अलग दिखता है, पर जब वो रियलिटी में हम वहाँ पे शूट करने के लिए जाते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस होता है। बाकी तो मुझे पहले तो मैं नर्वस थी, पर आराम आराम से फिर ठीक हो गया, मतलब ठीक था। उस टाइम पर आपको
आपको कैसा फील हुआ जब आप सिलेक्ट हुई? मुझे मतलब मैं बहुत सरप्राइज थी क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो लाइक मुझे बहुत हैप्पी फील हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मैं फर्स्ट जा रही हूँ लद्दाख को रिप्रेजेंट करने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे बहुत लाइक हैप्पी फील हुआ कि मैं फर्स्ट ऐसे जा रही हूँ, और मुझे लगा कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और मैं बहुत अपना बेस्ट दूंगी। वहां पर आपको सबसे ज्यादा इस आपके डांसिंग जर्नी में आपको सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया? मुझे ऑब्वियसली मेरी फैमिली, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं छोटे से डांस करती आ रही हूँ, और इसलिए मुझे लगता है मेरी फैमिली और मेरे टीचर, यही दोनों हैं जो मुझे लाइक मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। डांसिंग के लिए खुद को फिट रखना बहुत जरूरी होता है, तो आप कुछ आपका डेली रूटीन क्या है? कुछ एक्सरसाइज करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, डेली रूटीन क्या है आपका? डेली तो मैं नॉर्मली मैं उठने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डांसर्स के लिए उनका स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो मैं सुबह उठ के वही 1 या 2 घंटे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ। उसके बाद और कुछ रूटीन, मैं डाइट वाइट तो मैं फॉलो नहीं करती हूँ, बट जितना हो सके उतना हेल्दी खाना खाती हूँ। जैसे डांस जो है उसको मतलब आपको रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है या आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो उसके साथ साथ आप पढ़ती हैं तो आपके एग्जाम भी आते होंगे, स्कूल भी है, तो दोनों को अपने पैशन को और अपनी स्टडीज को आप साथ में कैसे मैनेज करती हैं? वो तो जब मैं डांस क्लास से वापस आती हूँ तो हमें होमवर्क तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब भी डांस करने के बाद फ्री टाइम मिलता है मैं ट्राई करती हूँ कि होमवर्क या पढ़ पाऊँ, मैं जितना भी हो सके उतना मैं ट्राई करती हूँ कि स्टडीज के लिए भी टाइम निकालूँ, और सुबह उठने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। मुझे लगता है सिर्फ डांस करने से नहीं होगा, मुझे लग रहा है पढ़ना भी ज़रूरी है और डांस भी साइड में। अगले आने वाले 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे? मुझे मुझे ना नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स में मुझे चाहिए कि लाइक मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं। अभी तो सिर्फ लद्दाख को हुआ है पर फिर भी ऐसा लग रहा है, और मैं जितना हो सके उतना लाइक हार्ड प्रैक्टिस करके वो अचीव करने की ट्राई करूंगी। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बोलना चाहूंगी कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, क्योंकि अगर कोई कोई होते हैं कि जो डर के नहीं कर पाते या अपने पेरेंट्स से थोड़ा बोलने में डरते हैं, तो मुझे लग रहा है हो सके तो अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको जैसे आर्ट्स में कुछ भी पसंद है आप वो भी कर सकते हैं और जो भी करना है, और फिर मुझे लग रहा है कि बस यही है मुझे जो कहना है मुझे ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।